हेलो एवरीवन। अच्छा, हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। अब हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर का, तो ध्यान से देखना है। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में ना जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू, ठीक है। पहले इसके बारे में लिखूं, ईओक्यू इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ईओक्यू इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच कैन बी परचेस्ड एट मिनिमम कॉस्ट, इज द क्वांटिटी ऑफ मटीरियल विच कैन बी परचेस्ड एट मिनिमम कॉस्ट। इट इज द ऑर्डर साइज विच प्रूव्स टू बी मोस्ट इकोनॉमिकली वायबल। इट इज द ऑर्डर साइज विच प्रूव्स टू बी मोस्ट इकोनॉमिकली वायबल। चलो पूरा एक एग्जाम्पल इसका समझेंगे, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो, पता है एक ना पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए की ना एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मिस्टर ए अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर करता है। आपको अच्छी तरह पता है फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए होगा। और पता है उसे पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल चाहिए? 12,000 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए उसे पर एनम, ठीक है। तो मिस्टर ए की एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में फिनिश गुड्स बनाता है। फिनिश गुड्स बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए और पूरे साल में उसे कितने का रॉ मटेरियल चाहिए? 12,000 केजीज का। अच्छा, अब सुनो, मिस्टर ए ये रॉ मटेरियल अपने सप्लायर मिस्टर बी से मंगवाता है। मिस्टर ए ये रॉ मटेरियल अपने सप्लायर मिस्टर बी से मंगवाता है, ठीक है। अब पता है एक सोचने वाली बात क्या आती है, ध्यान से सुनना। पता है एक सोचने वाली बात यह आती है, क्या मिस्टर ए को ये 12,000 केजी का रॉ मटेरियल पूरा एक साथ ही मंगवा लेना चाहिए एक ही बार में, या 6,000 करके दो बार में मंगवाए, या 4,000 करके तीन बार में मंगवाए, या 3,000 करके चार बार में मंगवाए, या 2,000 करके छह बार में मंगवाए, या 1,000 करके 12 बार में मंगवाए। कॉम्बिनेशन कोई भी बन सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या मिस्टर ए को मिस्टर बी से यह रॉ मटेरियल पूरा एक साथ मंगवा लेना चाहिए या इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाना चाहिए, लॉट्स में मंगवाना चाहिए। मैंने कहा ना 12,000 पूरा एक साथ मंगवा सकता है, 6,000 करके दो बार, 4,000 करके तीन बार, 3,000 करके चार बार, 2,000 करके छह बार, 1,000 करके 12 बार। कैसे मंगवाए इस पे हमारा सारा डिस्कशन है। अब जरा मेरी बात सुनना, पता है एक बात याद रखना, अगर कोई पर्सन बाजार से रॉ मटेरियल खरीदता है ना, कोई मैन्युफैक्चरर मार्केट से क्या खरीदता है? रॉ मटेरियल। तो वो हमेशा ना तीन कॉस्ट इंकर करता है।
एक तो है उस रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट, दूसरी है ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसे हम सेटअप कॉस्ट भी कहते हैं, और तीसरी होती है कैरिंग कॉस्ट जिसे हम होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो याद रखना, मैं अगर कोई रॉ मटेरियल खरीदूंगा ना किसी सप्लायर से, कितने तरह की कॉस्ट इंकर करूंगा? तीन, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। सपोज एग्जांपल देता हूं, परचेज कॉस्ट है ₹50 पर केजी, तो मुझे बताओ कि परचेज कॉस्ट कितनी हो गई? 1 केजी 50 का, तो पूरे साल में 12,000 केजी चाहिए, तो 6 लाख रुपए की आपकी क्या हो गई? परचेज कॉस्ट। ये तो हो गई परचेज। मेन डिस्कशन हमारा है ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट के बारे में। चलो समझते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। यहां पर लिखो सेकंड कॉस्ट जो हम इंकर करेंगे, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक काम करना, चार कॉलम बनाना, चार कॉलम। पहला कॉलम ऑर्डर साइज का, दूसरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, तीसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का, और चौथा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का। ये चार कॉलम बना लो, ऑर्डर साइज का, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का। यहां पर लिखना ऑर्डर साइज 100, 200, 300, 400। अब मुझे ना, मैं थोड़ा सा ना आपको एग्जांपल दे रहा हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, जरा सुनना। पता है, अब मिस्टर ए ने सुनो, ये क्या है, ये 100, इसके ऊपर लिखा है ऑर्डर साइज। मतलब पता है क्या, मिस्टर ए 12,000 केजी 100-100 करके मंगवाएगा। मतलब वो 12,000 केजी एक साथ नहीं मंगवाएगा, 100-100-100-100 करके 120 बार में मंगवाएगा 12,000 केजी। ठीक है, तो एक ऑर्डर का साइज 100 केजी का है। अब सुनना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, अपने सप्लायर को कॉल करा और कहा फटाफट से मेरे मेरे गोडाउन में 100 केजी भिजवा दो। तो अब क्या हुआ, मिस्टर बी ने एक लोडर में गुड्स को लोड करवाया और मिस्टर ए के गोडाउन पे डिलीवर करवा दिया। अब मुझे बताओ, मिस्टर बी के गोडाउन से मिस्टर ए के गोडाउन पे आने तक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो इनकर होगी ना, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी बताओ क्या कहलाती है? दैट इज आर ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो याद रखना, ऑर्डरिंग कॉस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। चलो अभी सुना मेरी बात। अब मुझे ना एक बात बताओ, मैं यहां पर सुनो, मैं 100 केजी मंगवा रहा हूं एक ऑर्डर में, मैं 100 केजी मंगवा रहा हूं एक ऑर्डर में, मंगवाने कितने हैं? 12,000 केजी। तो बताओ कि 12,000 केजी के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स मुझे कितने प्लेस करने पड़ेंगे? 120। ऐसे ही 200 मंगवा रहा हूं एक ऑर्डर में, तो 12,000 के लिए 60 ऑर्डर्स, 300 मंगवा रहा हूं एक ऑर्डर में तो 12,000 के लिए 40 ऑर्डर्स, 400 मंगवा रहा हूं एक बार में तो 12,000 के लिए 30 ऑर्डर्स। अब ना यहां पर ना आप मेरे साथ साथ कुछ फॉर्मूलेज आप लिखना शुरू करोगे। पहला फॉर्मूला हमारे पास जो आया वो आया नंबर ऑफ ऑर्डर्स का। पता है क्या फॉर्मूला बना नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, कैसे निकाला ये? 120 12,000 डिवाइड बाय 100। बताओ कि 12,000 केजी क्या था? रॉ मटेरियल, उसे हम बोलते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमें पूरे साल में कितने रॉ मटेरियल की जरूरत है? 12,000 केजी डिवाइड बाय 100 क्या है? ऑर्डर साइज। तो ये फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, पहला फॉर्मूला। ठीक है, साथ साथ लिखते रहना मेरे। अच्छा, अब सपोज एक ऑर्डर की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ₹20,
एक ऑर्डर की 20 रुपए, तो मुझे बताओ एक ऑर्डर की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 20, तो 120 ऑर्डर की 2400, एक ऑर्डर की 20 तो 60 ऑर्डर्स की 1200, ऐसे ही 800, ऐसे ही 600। ठीक है, अब सुनो एक और फॉर्मूला बनाएंगे यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट का। सुनो मेरे को ये बताओ, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आपने कैसे निकाला? ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अच्छा, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हो? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, इसको हम डिनोट करेंगे बाय ए डिवाइड बाय ऑर्डर साइज इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को हम डिनोट करेंगे बाय ओ। ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। चलो थर्ड अब हम करेंगे आपकी कैरिंग कॉस्ट। व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट, जरा देखते हैं। पहले एक काम करो, इसमें भी तीन कॉलम्स बना दो, ऑर्डर साइज, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम और टोटल कैरिंग कॉस्ट, ये तीन कॉलम बना दो। ऑर्डर साइज में तो वही लिख लो, 100, 200, 300, 400। ठीक है, अब कैरिंग कॉस्ट क्या होती है सुनो। अज्यूम करो मिस्टर ए जिस गोडाउन में इन यूनिट्स को स्टोर करता है ना, वो गोडाउन उसका खुद का नहीं है, वो उसने ले रखा है किराए पे। और वो पता है कितना किराया देता है? एक यूनिट का एक साल का 12 रुपए, 12 रुपीज पर यूनिट पर एनम। तो पता है इसे हम क्या कहते हैं? स्टोरेज कॉस्ट। याद रखना, स्टोरेज कॉस्ट इज आवर कैरिंग कॉस्ट। इनफैक्ट इंश्योरेंस कॉस्ट इज ऑल्सो आर कैरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट इज ऑल्सो आर कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, मेरी बात सुननी है ध्यान से। पता है क्या, सुनो यहां पर देखना जरा, मैं आपसे ना इस वाले केस में पूछना चाहता हूं, पहले वाले केस में देखना। मुझे जानना है क्या पूरे साल में एक भी दिन ऐसा होगा जब आपके गोडाउन में 100 kg से ज्यादा होंगे? ऐसा नहीं होता है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पता है, जब पहले वाले 100 कंज्यूम होते हैं ना, तब नए वाले 100 आते हैं, फिर नए वाले 100 कंज्यूम होंगे तब अगला लॉट 100 का आएगा, फिर ये वाले 100 कंज्यूम होंगे उसके बाद अगला लॉट आएगा 100 का। इसका मतलब ना, आपके गोडाउन में किसी भी दिन 100 यूनिट से ज्यादा स्टोर नहीं होंगे। अब एक बार बताओ, जब स्टोर ही 100 होने हैं, तो मैं कैरिंग कॉस्ट कितने यूनिट्स की दूंगा? 100 की। एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट 12, तो 100 यूनिट्स की कितनी हो गई? 1200। ठीक है, लेकिन एक बार मैं आपको और बता दूं, क्या ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो कंसेप्ट है ना, जो थ्योरी है, इस थ्योरी को अगर आपको वर्क करवाना है ना, तो एक अजम्पशन ली गई है। क्या? कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। मतलब कैरिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज बेसिस पे निकलेगी, 1/2, तो कितनी बनी? 600। ऐसे यहां पर बनाओ, एक यूनिट को कैरी करने की, स्टोर करने की 12 रुपए कॉस्ट, तो 200 यूनिट्स को स्टोर करने की 2400, एवरेज 1200। एक यूनिट को स्टोर करने की 12, तो 300 यूनिट्स को स्टोर करने की 3600 डिवाइड बाय 2, 1800। एक यूनिट को स्टोर करने की 12, तो 400 यूनिट्स को स्टोर करने की 4800, एवरेज 2400। तो ये आपकी बताओ क्या आ गई कैरिंग कॉस्ट। एक काम करो, कैरिंग कॉस्ट का भी एक फॉर्मूला जरा लिखो, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला।
अच्छा सबसे पहले ये 1/2 लिखो, 1/2 इनटू ये 12 क्या था, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसे हम डिनोट करेंगे बाय सी इनटू 100, क्या है ये ऑर्डर साइज, इनटू ऑर्डर साइज। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो अभी तक हमने बनाए, ठीक है। चलो अभी केस खत्म नहीं हुआ, अब आप एक काम और करोगे, अब आप ना एक स्टेटमेंट और बनाओगे, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, पांच कॉलम्स बनाना, ऑर्डर साइज। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा था ना आप तीन कॉस्ट इंकर करते हो, सबसे पहले कौन सी, परचेज कॉस्ट, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर कैरिंग कॉस्ट और फिर टोटल कॉस्ट। ऑर्डर साइज में लिख लो 100, 200, 300, 400। अब मुझे ना एक बार बताओ, फर्स्ट पेज देखना, फर्स्ट पेज ये देखो, फर्स्ट पेज देख के बताओ मेरे को परचेज कॉस्ट कितने रुपए की है। 6 लाख रुपीज की परचेज कॉस्ट है। मुझे एक बात का जवाब दो, आप 100-100 करके मंगवाओ, 200-200 करके मंगवाओ, 300-300 करके मंगवाओ, 400-400 करके मंगवाओ, पूरे साल में तो 12,000 ही खरीदोगे ना 50 रुपए के हिसाब से, मतलब परचेज कॉस्ट तो 6 लाख ही इनकर होगी ना, परचेज कॉस्ट तो वही रहेगी 6 लाख। अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट आपने निकाली थी 2400, 1200, 800, 600 और कैरिंग कॉस्ट 600, 1200, 1800, 2400। अब टोटल कॉस्ट कर दो इसका, 6,03,000, 6,24,00, 6,26,00, 6,03,000, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, काम की बात पे आ रहे हैं, मुझे बताओ इन चारों में से, इन चारों में से कौन सा ऑर्डर साइज ऐसा है जिसपे टोटल कॉस्ट सबसे कम है। ये देखो ये सबसे कम है टोटल कॉस्ट, कौन से ऑर्डर साइज पे, 200 पे। तो ये 200 हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो आप बोलोगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज नथिंग बट साइज ऑफ ऑर्डर, दैट साइज ऑफ ऑर्डर एट विच टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। तो याद रखना ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट आपकी मिनिमम होगी, लीस्ट होगी टोटल कॉस्ट। अच्छा एक बात शायद आपने और अगर नोटिस करी हो तो, यहां देखो नोटिस करिए एक बात, ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या है, बराबर, और कहीं पर बराबर नहीं है। इसका मतलब ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। अभी सुनना मेरी बात, अभी खत्म नहीं हुई है, ध्यान से सुननी मेरी एक बात, अच्छा मुझे बताओ, मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट का आपको फॉर्मूला लिखवाया था, वो लिखो इसकी जगह ए डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। तो ईओक्यू भी तो ऑर्डर साइज ही होता है, तो मैं ऑर्डर साइज की जगह ईओक्यू लिख सकता हूं, इनटू ओ इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, हाफ इनटू ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज की जगह ईओक्यू लिख देता हूं, इनटू सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो देखो क्या बनता है, 2 इंटू ए इंटू ओ इज इक्वल टू ईओ क्यू का होल स्क्वायर इंटू सी। तो 2 ए ओ डिवाइड बाय सी इज इक्वल टू ईओ क्यू का होल स्क्वायर। अब मैं कर सकता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, अच्छा इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो बचेगा ईओ क्यू, और इसका करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2AO डिवाइड बाय C, बस ये आपका फॉर्मूला बन गया EOQ का फॉर्मूला।
अब आप चाहो तो इस EOQ के फॉर्मूले में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालो EOQ का, 2 इंटू ए बताओ कि कितना था, 12,000 केजी का, ओ कितना है 20 रुपए का, सी कितना है 12 रुपए का, सॉल्व करोगे ना तो EOQ वही आ जाएगा 200 केजी। ठीक है, तो टोटल जो फॉर्मूलेस मैंने आपको बताए हैं ना, वो टोटल मैंने आपको इस वाले पॉइंट में चार फॉर्मूले बताए हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला और EOQ का फॉर्मूला। एक लास्ट टॉपिक इसी पॉइंट पे मैं आपको और बता दूं, वो क्या, एक कंसेप्ट होता है हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट का और इररेलेवेंट कॉस्ट का। पता क्या रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? रेलेवेंट कॉस्ट वो होती है जो चेंज होती है, और इररेलेवेंट कॉस्ट वो होती है जो सेम रहती है। अगर आप नोटिस करो, मैं 100 यूनिट करके मंगवाऊं, 200 करके मंगवाऊं, 300-300 करके मंगवाऊं, 400-400 करके मंगवाऊं, परचेस्ड कॉस्ट चारों केसेस में क्या है? सेम। इसका मतलब परचेस कॉस्ट इज माय इररेलेवेंट कॉस्ट। और ऑर्डरिंग कॉस्ट नोटिस करो, चारों केसेस में क्या कर रही है? चेंज। कैरिंग कॉस्ट नोटिस करो, चारों केसेस में क्या कर रही है? चेंज। इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर माय रेलेवेंट कॉस्ट। तो याद रखना, परचेस कॉस्ट मेरी इररेलेवेंट कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि सेम रहती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मेरी रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि हर केस में चेंज करती है। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो डायरेक्ट मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नोट्स अपने नीचे लिंक से डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट EOQ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोरेज कॉस्ट। क्या निकालना है? EOQ फॉर्मूला लिखो, 2AO डिवाइड बाय C, 2 इंटू ए क्या था? ए हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 केजी। ओ क्या था? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50 रुपीस। और सी क्या था? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। स्टोरेज कॉस्ट हमारी कैरिंग कॉस्ट है 8%। अब पता है ये 8% किसका होता है? ये 8% होता है परचेज कॉस्ट पर यूनिट का, और वो आपकी दे रखी है 2 रुपीस। तो सॉल्व करते हैं इसे, ₹2500 केजी, ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, इसी क्वेश्चन में देखोगे ना, एक पार्ट और था, उसने आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने को कहा था, और मैंने कल आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स का भी फॉर्मूला बताया था, ए डिवाइड बाय EOQ। ए है 10,000 केजी, EOQ 2500 केजी, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4 ऑर्डर्स आ गए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके 4। चलो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ मैन्युफैक्चरर यूजेस 200 यूनिट्स ऑफ अ कंपोनेंट एवरी मंथ एंड बायस देम एंटायरली फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर, ऑर्डर प्लेसिंग एंड रिसीविंग कॉस्ट इज 100 एंड कैरिंग कॉस्ट इज 12, कैलकुलेट EOQ। चलो फॉर्मूला लिखो EOQ का, 2AO डिवाइड बाय C, 2 इंटू ए। अच्छा पता क्या, ए का मतलब था एनुअल रिक्वायरमेंट, जबकि अगर आप नोटिस करो तो ये जो 200 यूनिट्स दे रखे हैं ना,
ये एनुअल नहीं, ये मंथली दे रखी है। तो एक मंथ के 200, तो एनुअल निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट 12 200 यूनिट्स आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओगे जरा, 7th क्वेश्चन। एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज 18250 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 36.5 पर यूनिट, स्टोरेज कॉस्ट इज 20% एंड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर इज 50, हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेस्ड एट अ टाइम, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है। 2AO डिवाइड बाय C, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल 18250, ओ यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट 50, सी यानी कैरिंग कॉस्ट 20% दे रखे, 20% किसका, 36.5 का परचेज कॉस्ट का, यूनिट्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है चलो आ जाओ एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स इज 3.6 पर यूनिट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट इज 9000 पर एनम, व्हाट वुड बी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब मेरी बात जरा सुनना, पता है इस क्वेश्चन में ना आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपने स्क्वेयर रूट ऑफ 2AO डिवाइड बाय C वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल पाओगे, फॉर द सिंपल रीजन दैट A आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इनफैक्ट ओ यानी ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको ना कोई और तरीका देखना पड़ेगा। और अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको दो फॉर्मूलेस कराए थे, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, तो उसमें से जो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था ना वो यूज करना, फॉर्मूला था हाफ इंटू ईओक्यू इंटू सी, कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 9000 इज इक्वल टू हाफ इंटू ईओक्यू निकालना है इंटू सी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दे रखी है 3.6, तो ईओक्यू आपका आ गया 5000 यूनिट्स, ये आपका ईओक्यू। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, एक काम करो 15th क्वेश्चन पे आओ, 15th क्वेश्चन। द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज रैंडम, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट मंथली डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 390 यूनिट्स, यूनिट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 25, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 40 एंड कैरिंग कॉस्ट इज 35%, कैलकुलेट ईओक्यू। चलो फॉर्मूला लिखो ईओक्यू का, 2AO डिवाइड बाय C, 2 इंटू, अच्छा आपको मंथली डिमांड 390 दे रखी है, हमें तो एनुअल चाहिए होता है ना, मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू ओ यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट 40 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट 35% ऑफ परचेज कॉस्ट 25, यूनिट्स, ये आपकी क्या आ गई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है तो मेरे ख्याल से छोटे छोटे क्वेश्चन सभी करवाए मैंने आपको, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है टिल देन थैंक यू, हेलो एवरीवन। चलो आगे हम क्वेश्चंस पे आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल के क्वेश्चंस पे आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट करेंगे ध्यान से। एक काम करो क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ,
देखो क्या कह रहे हैं, द कंप्लीट गार्डनर इज डिसाइडिंग ऑन द ईओक्यू फॉर टू ब्रांड्स ऑफ लॉन फर्टिलाइजर सुपरग्रो एंड नेचर्स ओन. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड. सुपरग्रो और नेचर्स ओन की इंफॉर्मेशन दे रखी है. एनुअल डिमांड, रेलिवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, रेलिवेंट कैरिंग कॉस्ट पर बैग, कंप्यूट ईओक्यू फॉर सुपरग्रो एंड नेचर्स ओन. चलो फॉर्मूला लिखो, पहले ईओक्यू निकालते हैं. 2AO डिवाइड बाय C. पहले निकालो सुपर ग्रो के लिए 2 इंटू A है 2000 बैग्स, O 1200, C 480. हंड्रेड बैग्स आ गया EOQ. फिर नेचर्स ओन 2 इंटू 1280 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 1400, कैरिंग कॉस्ट 560. एट्टी बैग्स, ये आपकी आ गया ईओक्यू. सेकेंड पार्ट, फॉर द ईओक्यू व्हाट इज द सम ऑफ टोटल एनुअल रेलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल एनुअल रेलिवेंट कैरिंग कॉस्ट फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर जोन. सिंपल वर्ड्स में आपको ना ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का सम निकालना है. चलो निकालते हैं. हेडिंग बनाना, हेडिंग लिखना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यहां पर लिखो सुपर ग्रो नेचर जोन. पहले करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट. अच्छा याद करो मैंने फॉर्मूले जो आपको कल लिखवाए थे. ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था ए डिवाइड बाय ईओक्यू इनटू ओ. करो सॉल्व. ए है 2000, ईओक्यू 100, ओ 1200, तो ये आ गया 24000. ऐसी इसका 1280 डिवाइड बाय 80 इनटू 1400 22400. ये तो आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट. अब लिखो कैरिंग कॉस्ट. हाफ इंटू ईओक्यू इंटू सी. हाफ इंटू ईओक्यू है 100, सी है 480, तो 24000. फिर हाफ इंटू ईओक्यू 80, सी 560, 22400. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का सम 48,000 और 44,800 आ गया. ठीक है. और थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है. उसने कहा था कंप्यूट नंबर ऑफ डिलीवरीज पर ईयर. नंबर ऑफ डिलीवरीज मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं. फॉर्मूला ए डिवाइड बाय ईओक्यू निकालो सुपर ग्रो के लिए. A है 2000, EOQ 100, तो 20 ऑर्डर सुपर ग्रो के. और नेचर जोन 1280 डिवाइड बाय 80, 16 ऑर्डर्स नेचर जोन के. ये आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए. ठीक है. चलो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू देखो. यूजिंग द फॉलोइंग डेटा obtain EOQ and annual relevant cost associated with the policy of ordering quantities of that size. Purchase cost, ध्यान देना इस बात पे, purchase cost of annual demand, ordering cost और carrying cost. चलो पहले क्या निकालना है EOQ. 2AO divide by C. 2 into, ये देखना जरा. मुझे एक बात बताओ, सुनो, मुझे ना ए यानी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए. और सबसे ऊपर पढ़ो आपको क्या दे रखी है, परचेज कॉस्ट ऑफ एनुअल डिमांड. पता है क्या, मुझे एनुअल डिमांड की परचेज कॉस्ट नहीं चाहिए थी, मुझे एनुअल डिमांड चाहिए. बात समझो, आपको क्या गिवन है, एनुअल डिमांड की
परचेज कॉस्ट, मुझे एनुअल डिमांड की परचेज कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे एनुअल डिमांड चाहिए। अब सुनो लास्ट लाइन पढ़ना, कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 24% ऑफ रूपी वन, और आपको अच्छी तरह पता है कैरिंग कॉस्ट हमेशा जो निकलती है वो किस पे निकलती है, परचेज कॉस्ट पर यूनिट पे। इसका मतलब जो ये वन होगा ना, ये क्या होगा, परचेज कॉस्ट पर यूनिट। अब मुझे बताओ पूरी टोटल परचेज कॉस्ट है 20,000 डिवाइड बाय एक यूनिट की परचेज कॉस्ट है एक रुपए, तो बताओगे जरा एनुअल डिमांड कितनी आ जाएगी, 20,000। समझ आया सबको, वर्किंग नोट बना दो एक। ये देखो मुझे बताओ पहले ये परचेज कॉस्ट कैसे निकालते हो, एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय परचेज कॉस्ट पर यूनिट, है ना। परचेज कॉस्ट है 20,000, एनुअल डिमांड निकालनी है और एक यूनिट की परचेज कॉस्ट एक रुपए, तो एनुअल डिमांड कितनी आ जाती है, 20,000 केजी इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 ओवर कैरिंग कॉस्ट 24% ऑफ रूपी वन। यूनिट्स आपका क्या आ गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये तो हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब जरा अपने आप पढ़ो सेकेंड पार्ट में उसने क्या निकालने को कहा था, पढ़ो जरा सेकेंड पार्ट में। उसने कहा था क्या निकालो, कैलकुलेट टोटल एनुअल रेलेवेंट कॉस्ट। अब याद करो कल लेक्चर के लास्ट में मैंने क्या कहा था, तीन कॉस्ट होती हैं, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। जो कॉस्ट सेम रहती है वो इररेलेवेंट होती है, और जो कॉस्ट चेंज करती है वो रेलेवेंट होती है। कौन सी कॉस्ट सेम रहती है, परचेज कॉस्ट सेम रहती है ना, तो वो इररेलेवेंट हो गई। और कौन सी कॉस्ट चेंज करती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, तो वो दोनों क्या हो गई, रेलेवेंट कॉस्ट। उसने आपको रेलेवेंट कॉस्ट निकालने को कहा है, तो सिर्फ कौन कौन सी कॉस्ट निकालोगे, ऑर्डरिंग और कैरिंग। फॉर्मूला लिखो ऑर्डरिंग का, ए डिवाइड बाय ईओ क्यू इनटू ओ, ए है 20,000, ईओ क्यू 5,000, ओ 150, तो 600 रुपीज ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, हाफ इनटू ईओ क्यू इनटू सी, हाफ इनटू ईओ क्यू है 5,000, सी है 0.24, तो 600 रुपीज, तो रेलेवेंट कॉस्ट आ गई टोटल 1200 रुपीज। बस यही चीज करनी थी आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन। देखो अ प्रोडक्ट कॉस्ट ₹10 whose requirement is expected to be 12,000 units per year. Setup cost, याद करो कल मैंने बताया था, setup cost यानी ordering cost is 2,000 per setup. Carrying cost is 2.5% per unit per month. याद रखना ये बात, calculate EOQ. चलो question का first part. 2AO divided by C. 2 into A. मुझे बताओ एनुअल रिक्वायरमेंट है 12,000 यूनिट्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी सेटअप कॉस्ट 2,000 डिवाइड बाय, नोटिस करना आपको कैरिंग कॉस्ट 2.5% पर यूनिट पर मंथ दे रखा है, जबकि कैरिंग कॉस्ट पर एनम होती है, तो एक मंथ का 2.5%, तो पूरे साल का 30% किसका होगा, परचेज कॉस्ट पर यूनिट का 10 रुपीज, तो 2 into 12,000 into 2,000 डिवाइड बाय 3, 4,000 यूनिट्स आपका EOQ। अच्छा अब पढ़ो सेकंड में क्या निकालना था, नंबर ऑफ सेटअप्स मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स। फॉर्मूला A डिवाइड बाय EOQ, A है 12,000, EOQ 4,000, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 3 ऑर्डर्स, और फिर थर्ड थर्ड आता है आपका रेलेवेंट कॉस्ट,
अच्छा रेलेवेंट कॉस्ट में मेरे को बताओ कितनी चीजें आती हैं? दो कॉस्ट को रेलेवेंट माना गया है ना, किस किस को? ऑर्डरिंग और कैरिंग को। करो ए डिवाइड बाय ईओक्यू इनटू ओ। ए है 12,000, ईओक्यू 4,000, ओ 2,000। तो ये आ जाएगा आपका 6,000। और कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू ईओक्यू इंटू सी, तो हाफ इंटू ईओक्यू कितना है 4,000, और सी बताओ कितना है 3 रुपीज, 6,000। तो रेलेवेंट कॉस्ट का टोटल 12,000। ये आपकी रेलेवेंट कॉस्ट आ गई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जेड कंपनी सप्लाइज प्लास्टिक क्रॉकरी टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज अ स्पेशल बाउल डिस्पोजेबल आफ्टर इनिशियल यूज फॉर सर्विंग सूप्स टू इट्स कस्टमर्स। बाउल्स आर सोल्ड इन पैक्स ऑफ 10 पीसेस एट अ प्राइस ऑफ 50 पर पैक। डिमांड फॉर प्लास्टिक बाउल्स हैज बीन फोरकास्टेड एट अ फेयरली स्टेडी रेट ऑफ 40,000 पैक्स एवरी ईयर। कंपनी परचेजेस द बाउल डायरेक्टली फ्रॉम द परचेजर एट 40 पर पैक। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 8 पर ऑर्डर, स्टोरेज कॉस्ट इज 10%। कंप्यूट ईओक्यू। चलो पहला पार्ट ईओक्यू, फॉर्मूला लिखना 2AO डिवाइड बाय सी, 2 इंटू। अच्छा आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट 40,000 पैक्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट 8, कैरिंग कॉस्ट 10, 10% किसका? परचेज कॉस्ट का, और परचेज कॉस्ट है 40 पर पैक। तो 2 × 40,000 × 8 डिवाइड बाय 4, 400 पैक्स, ये आपका ईओक्यू आ गया। सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला ए डिवाइड बाय ईओक्यू। ए है आपका 40,000, ईओक्यू 400, 100 ऑर्डर्स। और फिर थर्ड, थर्ड उसने कहा है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग, मतलब सिंपल वर्ड्स में रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है। रेलेवेंट कॉस्ट दो चीजों से मिलके बनती है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो ए डिवाइड बाय ईओक्यू इनटू ओ। ए है 40,000, ईओक्यू 400, ओ 8, तो 800। फिर कैरिंग कॉस्ट हाफ इनटू ईओक्यू इनटू सी, हाफ इनटू ईओक्यू कितना है 400, सी कितना है 4, 800 रुपए की कैरिंग कॉस्ट टोटल आ गया। रेलेवेंट कॉस्ट 1,600 रुपए। ठीक है, चलो आज के लिए काफी क्वेश्चंस हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।